तो गाइस लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग ने रसना बनाया था, तो वही पी रहे लिटरली। अच्छा लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा। एंड अभी समीर जा रहा है अपना स्कूल का एडमिशन कराने, न्यू सेक्शन में जा रहा है ना, फाइव क्लास में आ गया अभी। पियो, अच्छा है ठंडा, पियो 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 पियो, क्या वो नहीं पियो, पियो पियो तो हाँ, कैसा लगा? या फिर चल रहे हैं भाई भाई भाई, हो गया इतने पियो। तो गाइस बाय द वे मैंने एक ड्राइंग बनाई है, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ड्राइंग। तो आप देखो, एक थार की है, सिंपल है बट बनाने मेहनत लगी, बट 3D लुक देने के लिए भाई। और इसमें सौरभ भाई का नाम भी लिखा हुआ। कैसी लग रही है कमेंट में बताना भाई, मेहनत लगा था। रुको मैं दूसरे साइड से लिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हो, मतलब थार का है, सौरभ जोशी का, तो रेड थार सौरभ जोशी का, वही वाला हम बनाए थे, सोचे बना देते हैं, मस्त लग रहा था देखने के। एंड व्लॉग देखते देखते मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, उतनी अच्छा तो नहीं बन पाई बट मेरे से जितना हुआ मैं बना सका। एंड फिलहाल अभी तो यहाँ गेम खेल रहा है, गेम चल रहा है। तेरा एडमिशन हो गया स्कूल में? हाँ। और गाइस ये मोबाइल में मैंने लिया था वो थार का डिजाइन। और देख सकते गाइस हम अभी फॉर्च्यूनर चला रहे भाई। और मैं यार सच बता दूं यार, मैं रुको बताता हूँ, मैं यार सच बताना यार, मेरी ड्रीम कार थार ही है गाइस, कसम से बता रहा हूँ यार, मुझे लेना है तो भाई थार ही लूंगा भाई मैं, जब तुम्हारा अर्निंग होगा तब। देखो सौरभ जोशी का नाम भी लिखा हुआ, एंड इधर कुछ लिखा हुआ, इधर मैंने ड्राइंग किया तो मेरा नाम लिखा हुआ, एंड रेड थार है तो रेड थार बताना अच्छा लगा तो। एंड लोग सोच रहे तो मैं यार ड्राइंग तो ज़्यादा करता हूँ नहीं, बट मैंने यार बहुत देखते हैं सौरभ जोशी का व्लॉग, सौरभ जोशी का आर्ट्स वाला चैनल, आज हम कम से कम उनका भी कम से कम 10-15 वीडियो देख लिए आर्ट वाले चैनल का। एंड सौरभ जोशी का देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि भाई बोले कि भाई कैसे कर लेते सौरभ भाई इतना अच्छा ड्राइंग, तो मैंने भी सोचा करने का ये थार का। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने पे, उसको दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब साइड लुकिंग है वो काफ़ी सही है, बट मैं उतना अच्छा तो नहीं कर पाया, मुझे भी पता है। कैसा लगा कमेंट में बता देना जरूर। एंड अभी छत पर हम काम हो रहे थे, अभी छत पर चलते हैं। एंड बाय द वे तुम रसना फिर से बनाया? एंड गाइस बताना भूल गया, कल वाला जो रसना हमने बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, एंड इसने फिर से बनाया समीर ने, तो वही अभी पीते हैं, अभी फिर से पिएंगे अब पियेंगे बाबू, तुम देख लो अभी देख लो ना। आज मेरा एक था, मुझे बोलना था, थैंक यू सो मच सौरभ जोशी भाई, अपने अपने मतलब आपसे ही हम सीखे ये ड्राइंग बनाने, मतलब उतना अच्छा तो नहीं है बट जितना मेरे से बना उतना बन के। मैंने भाई समीर ने ये वाला रसना बनाया था, देख सकते हो कलर उतना बेटर नहीं है, मेरा वाला बेटर नहीं, इसका थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस लगा, ये तो मेरा वाला है, ये समीर वाला है। तो अभी पीते हैं इसका वाला, टेस्ट कैसा है देखते हैं। इसका वाला ठीक है बट इसमें थोड़ा चीनी वगैरह कम है, बस ये प्रॉब्लम चीनी वगैरह कम है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही यहाँ पे प्लास्टर वगैरह, यहाँ पे प्लास्टर वगैरह हुआ है एंड सीमेंट खत्म हो गया है। तो और क्या चल रहा है, क्या हाल चाल? वैसे कौन सा कार है, कौन सा कार, कौन सा है? स्कॉर्पियो दिखा पहले। अबे ठोका दिए फिर से देखते हैं, मार देंगे तो बात कर देगा, मार देगा तो। बाय द वे मेरे घर पे एक है स्टोर रूम, ऊपर में छज्जा के ऊपर देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है, कुछ डरावना दिख रहा होगा आपको बट अच्छा ही है। एंड ये बल्ब है, पहले जो था रहता काफी हद तक गंदा है, इसके ऐसा अरेक्ट हुआ है उधर नीचे साइड, मतलब उसी का सेम वाला रूम में उस टाइप का। बाय द वे ये कुछ है, ये है क्वार्टर से लाए थे ये, एंड इसका जो प्लास्टिक था वो फुटबॉल खेलते टाइम फट गया था। एंड ये वाला जो है ना दिख रहा है ना आपको, ये वाला हम लोग ने घर पे बनाया था, बलून से फोड़ कर बनाया था, काफी ज्यादा मेहनत लगा था बट अच्छा लगा था। जो बनाया था हमको उससे क्या। और यहाँ पे इन लोग पसरल है गेम खेल खेल के। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो टायर का जो सब कल्याण किया है सब क्या करेंगे, अबरी क्या करेंगे? अभी तो उसको दूसरा कुछ नहीं, ते सबको हटा दिया। बाय द वे ये बालू, बालू का मसाला, ये बालू का मसाला। एंड गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मैं इसमें बैठा हुआ था ठीक है, एक्चुअल में
अचानक से ये घिसक गया, तो ये पूरा थी हो गया एंड पूरा भारी भी, बहुत ही ज़्यादा भारी है, सीमेंटेड है ना। एंड एक्चुअल में ये छत ऊपर तरफ था, तो उसी को यहाँ पर लेके बैठने का हुआ। एंड आम का पेड़ ही है, गर्मी के दिन में आम भी बहुत सारे फलते हैं। एंड यहाँ पे कुछ व्हीकल्स कलेक्शन इधर भी है, और ये सीट्स जो पूरी तरह से फटी हुई है। एंड इधर वाला आर्ट किया हुआ है हम लोग का, ये प्राणी किया हुआ है ये। अभी चलते हैं लाना है सामान, अभी घर आ चुके हैं। एंड बाय द वे ये समीर का स्कूल का बेल्ट है एंड गल्टल है। बाय द वे गाइस, मेरे पास ये ईयरबड्स है जो Realme Q2 Neo है, नॉइज कैंसिलेशन। तो गाइस जो जो यार बोट लवर है ना यार, बोट का जो ईयरबड्स वगैरह यूज़ करते हैं, बोट का सामान वगैरह, वॉच वगैरह यूज़ करते हैं ना, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा भाई इसको भी एक बार ट्राई करके देखो गाइस, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मतलब बोट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मतलब अपने प्राइस से बोट का थोड़ा महंगा आ जाता है। एंड ये प्राइस के रेंज में आपको ये बेस्ट मिलेगा, आप लोग यूज़ करना, बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। मतलब बोट का तो रहता है ये बेस्ट बेस वाला है, लेकिन इसको भी एक बार ट्राई करके देना, ये भी बहुत बेस्ट है। एंड गाइज तो इसको हम लगा लेते हैं, अब बात करके देखते हैं। नॉइस तो एकदम कैंसिलेशन कर दे रहे थे। बाय द वे गाइस, अब क्या बोलते हैं, मैंने जो भी था आपको दिखा दिया। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। क्या बोल रहा है, अबे पानी है इसके अंदर, क्या है, पानी तो है और क्या। बाय द वे गाइस, अब मिलते हैं गाइस, जल्दी ही मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।